हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अब्से कैडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है। जीएल फ्यून्स एक मॉडर्न स्टोरी राइटर, एक पोएट, एक जर्नलिस्ट हैं और सबसे इंटरेस्टेड कि वो एक ह्यूमरिस्ट हैं। ह्यूमरिस्ट का अर्थ ये होता है कि जिनकी रचनाओं में ह्यूमर हो, हास्य हो, जिससे रचना जो है बहुत ही रोचक हो जाती है, पढ़ने में एक आनंद आता है, एक एंजॉयमेंट मिलता है। तो ये एक ऐसा लेसन है जो कि विश्वास के ऊपर है। एक ऐसे किसान की कहानी है जो भगवान के ऊपर या भगवान में अटूट विश्वास रखता है और वो जानता है कि केवल भगवान ही इस दुनिया में सबको देखने वाले हैं, सबके दुख सुख को समझने वाले हैं। और जब उसकी फसल खराब होती है तो उनको एक पत्र लिखता है। वह पत्र लिखना और पोस्ट ऑफिस में पहुंचना, आप जानते हैं, कोई मेल एड्रेस नहीं होता है, कोई कुछ नहीं भगवान का होता है, लेकिन उसने जो ये प्रक्रिया अपनाई है उसी को राइटर ने, जो कि आप इनका फोटो देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड वे में डिपिक्ट की है। बहुत ही अच्छे से विविड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, द हाउस द ओनली, कह रहा है एक घर है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक जो घर है वो पूरे वैली में, पूरे घाटी में, संपूर्ण घाटी में केवल अकेला है। शेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी पहाड़ी के छोटी पर वह स्थित है, एक घर। फ्रॉम हिज हाइट, उस घर की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कह रहे हैं कि उस हाइट से, घर की हाइट से जो है, कोई भी पके हुए अनाज के खेतों को वह देख सकता है बहुत ही आसानी से। और कैसे वो खेत हैं डॉटेड विद द फ्लावर्स, वह फ्लावर्स से भरे हुए हैं, फूल से भरे हुए हैं। और किसी फसल में अगर फूल ज़्यादा हैं तो ऑलवेज प्रॉमिस, इसका अर्थ यह होता है कि वहाँ एक अच्छी फसल प्राप्त होने वाली है। हार्वेस्ट का अर्थ होता है फसल। द ओनली थिंग, केवल एक वस्तु, एक चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, खेत को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, या तो एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक जो है बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपनी फील्ड को क्या कर, अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता है, अर्थात उसके, उसको अपने खेतों की समझ है, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया सिवाय एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने सुबह की बात है, वो कुछ भी नहीं किया बल्कि वह उत्तर और पूर्व की तरफ हुआ, आसमान में वह देखता है। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, वह अपनी महिला से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है कि अब हम निश्चित रूप से कुछ जो है पानी प्राप्त करने वाले हैं। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग, जो शपर प्रिपेयर कर रही थी, जो भोजन बना रही थी, शाम का नाश्ता, वैसे तो सफर कर शाम का नाश्ता होता है लेकिन यहाँ आई थिंक ये पूरा भोजन से है। उसने कहा कि हाँ, भगवान की इच्छा अगर होगी, गॉड्स विलिंग का अर्थात होता है भगवान की इच्छा, भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे बच्चे जो है घर के बगल में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, छोटे जो खेल रहे थे तभी जो है वो महिला उन्हें भोजन के लिए बुलाती है, डिनर के लिए बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, ये बिल्कुल भोजन के समय की बात है, तभी लेंचो ने जैसा कि प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो है वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, जो ह्यूज माउंटेन्स हैं, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े, मतलब बड़े बड़े बादल, अर्थात जो है पानी बरसाने के लिए जो उपयुक्त होते हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, काले वाले बादल अप्रोच करते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जब वर्षा होने वाली होती है तो हमें पता है कि वो एयर क्या थी, बिल्कुल तरोताजगी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जो व्यक्ति बाहर गए हुए, जो व्यक्ति का अर्थ है यहाँ द मैन लेंचो से ही है और किसी से नहीं है, अर्थात यह है कि वह जो लेंचो है वो किसी और कारण से नहीं गया था बल्कि प्लेजर को फील करने के लिए, खुशी को जो है महसूस करने के लिए रेन को वह गया हुआ था अपने शरीर पे, और जैसे ही बात आता है वह चिल्ला उठा, रिटर्न जैसे होता है वैसे वो चिल्ला उठा। नेक्स्ट,
वो चिल्ला के क्या कह रहा है, दीज एरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो खुशी से इतना चिल्लाया, झूम उठा और कहा कि ये केवल वर्षा की बूंदे ही नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक कॉइन्स हैं, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदे जो हैं वो 5 सेंट्स की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied, वो बिल्कुल संतुष्ट था, वो वर्षा से संतुष्ट था और देखा कि जो उसकी ripe corn थी, उसकी जो खेत थे वो पूरे के पूरे भरे हुए थे, curtain of rain, वे बिल्कुल भरे हुए थे, अच्छे से पानी लग गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक कह रहा है, लेकिन अचानक एक तेज हवाएं वहां बहने लगी, बिगेन टू ब्लो बहने लगी एंड अलोंग विद द रेन और वर्षा के साथ में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े जो है ओले पड़ने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस, जो कि नए जो है चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और बच्चे जो है अपने आप को जो है रेन में चले गए एक्सपोज करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए अपने अपने शरीर पे वर्षा का, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़ने लगे जो है वे फ्रोजन पर्ल्स जमी हुई मोती लेने के लिए, वे सभी हेल स्टोन जो ओले थे उनको लेने के लिए बच्चे दौड़ के जाते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब वो बिल्कुल एक्सक्लेम कर रहा है दुख में कि अब तो गलत हो रहा है, आई होप इट पासिस क्विकली, फिर भी कह रहा है कि अगर जल्दी पास कर जाएगा तो कम नुकसान होगा, अदरवाइज ये नुकसान हो रहा था। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह जल्दी पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, वह घरों पे वर्षा, क्या वर्षा, हेल। द गार्डन, गार्डन में, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल, पूरी घाटी में जबरदस्त जो है हेल स्टोन्स गिरे, ओले पड़े। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ, और जो फील्ड थी वह सफेद हो गई, एज इफ का अर्थ होता है मानो कि, कवर्ड विद साल्ट, ऐसे सफेद हो गई फील्ड जैसे कि मानो कि जो है नमक की नमक का जो है वहां पे काम किया जा रहा हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और एक भी पेड़ पे पत्ते नहीं रह गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न जो है टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स पूरे चले गए थे प्लांट से। लेंजो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और उसका उसकी जो आत्मा है वो दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और जब स्टॉर्म पास कर गया, वो गुजर गया, तो वह अपने खेतों के बीच आकर के, मध्य में आकर के कहा अपने बच्चों से, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है बच्चों से कि जो टिड्डियों का दल होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डियां, जो अभी देखे थे टिड्डियों का जो दल होता है ये भी इससे ज्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, और इस साल जो है जो ओले पड़े हैं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, इस साल उनके पास कोई भी कॉर्न अनाज नहीं रहेंगे। That night was a sorrowful one, और वह रात उसके लिए बहुत दुखद थी। All our work for nothing, उसने कहा कि हम लोगों के जितने भी कठिन परिश्रम हैं उसका कोई परिणाम नहीं निकला। There's no one who can help us, वो कहता कि कोई ऐसा नहीं कि जो उनकी सहायता करे। Well, all go hungry this year, और हम सब जो है इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from God. लेकिन उनके हृदय में जो उस सॉलिटरी अकेले जो है घर में रहा करते थे उस वैली घाटी में, उनके पास एक ही आशा थी, वो आशा थी भगवान से सहायता। डोंट बी शो अपसेट एवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ज्यादा परेशान मत हो जबकि यह प्रतीत हो रहा है यद्यपि कि पूरा का पूरा जो है लॉस हो गया है। रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई जो है भूख से नहीं मरता है, ऐसा वह कहता है। दैट्स व्हाट दे से, तभी तो लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, व्यक्ति जब दुख में होता है तो वह जो शुक्तियां हैं, जो प्रोवर्ब्स हैं या जो भी चीजें हैं उनको सोच करके वह आगे बढ़ता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन तो लाइक करें। ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी की पूरी रात जो है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, केवल भगवान की आशा के बारे में, वो सहायता के बारे में सोचता रहा। हुज आई, जिनकी आंखें भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि
उसको सिखाया गया था, उसे बताया गया था सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसर्न्स, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह भी भगवान को पता होता है, ऐसा उसे बताया गया था। और आप जानते हैं हमें भी कोई परेशानी होती है, किसी को कोई परेशानी होती है, तो वो उसके जो है सॉल्व के लिए या उसका जो भी प्रॉपर वे होता है उसे टैकल करने के लिए वो उसके बारे में सोचता रहता है, ऐसा वो भी कर रहा है। लिंच वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वह एक ऑक्स ऑफ अ मैन का अर्थ होता है मेहनती इंसान, बहुत ही मेहनत करने वाला था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह जानवर की तरह से खेतों में काम करने वाला था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह इतना तो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल।